दिल्ली के थाना वेलकम इलाके के जनता कॉलोनी में एक मकान के अंदर 32 साल की महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका के रिश्तेदारों का आरोप है कि पूर्व पति ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेजा और पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है और पूरे मामले की जाँच कर रही है। वेलकम इलाके में तलाक के बाद भी पूर्व पति के साथ रह रही एक 32 वर्ष की महिला की उसके गले में चुन्नी बांध कर गला घोट कर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान 32 वर्षीय महिला के तौर पर हुई है। पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है। उधर महिला के परिजनों का आरोप है कि उसके पूर्व पति ने ही उसकी हत्या की है। उसके बाद वह घर में रखा कीमती सामान लेकर मौके से फरार हो गया। इनने शादी कर लिखी थी कोर्ट में, इनने फिर तलाक दे दी थी। इसका केस चल रहा था कोर्ट में, आज इसकी तारीख थी। ठीक है, उनने क्या तारीख में नहीं गया तो कह रहा फैसला नहीं कर रही, तुझे मार दूंगी। कल इसकी बहू आई, कह लगी मेरे आदमी को रखे ही पड़ी है और जो है ना फैसला भी नहीं कर रही। इसका बाप आया, उनने क्या फैसला नहीं करूंगी मैं, मेरा जितना पैसा लिया दे दे। 4 लाख रुपए ले गया था बकरे इससे पहले इसके, ना दिए बाप ने, उन्होंने सपने पिलाने से बच्चों को छोटे छोटे को हमारे घर भगा दिया। बच्चे आए वो कहने लगे अम्मी के पैर दिख रहे हैं, कपड़ों से ढक रखा है, अम्मी को मार दिया, सब भाग गए निकल गए। 4 बजे के टाइम हाजी लतीफ, इसका लोना आकिल सलीम आदिल, इन्होंने सबने मारा सर मेरी बहन को, सारा कुछ ले गया, पैसा उसे सब ले गया। मुझे सितारा का और आदिल का 6 या 7 साल पहले कोर्ट मैरिज हुआ था इनका। उसके कुछ ही दिन बाद में इनका आपस में झगड़ा वगैरह चलने लगा, जिसमें पुलिस थाने हुए। अब इनके काफ़ी टाइम से कोर्ट में केस चल रहा था। अब ये लड़के वाले कहने लगे कि आपस में कंप्रोमाइज़ कर लो, तो कंप्रोमाइज़ को इनकार कर दिया। ये कह दिया कि जो हमारे पैसे हैं वो दे दो, तो उसी बात को लेके फिर झगड़ा हुआ इनमें। फिर अभी ये पता लगा कि 3 बच्चों को उन्होंने अपने नानी के घर में भेज दिया। जब नानी के घर से बच्चे वापसी आए तो देखा उन्होंने कि मम्मी की लाश पड़ी है। उन्होंने फिर शोर शराबा किया, शोर शराबा करके फिर आसपास वालों ने पुलिस को फ़ोन किया, मौके पर पुलिस आई, फिर बॉडी को ले गए जीटीवी हॉस्पिटल। इस पूरे मामले पर डीसीपी नॉर्थ ईस्ट अतुल कुमार ठाकुर का कहना है कि अभी तक महिला का शव मिलने का मामला सामने आया है और पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। संदीप कुमार के साथ प्रिंस सोलंकी, तेज निगाहें दिल्ली। न्याय की राहें तो देखते रहिए तेज।